हेलो डियर स्टूडेंट्स आपका स्वागत है आईआईटी जैम 2018 की सॉल्यूशन सीरीज में और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ सेक्शन ए तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम एक बार रीड कर लेते हैं लेट एच बी द क्वेश्चन ग्रुप क्यू माइनस जेड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट एवरी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ एच इज फाइनाइट सेकेंड एवरी फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ एच तो हमारे पास क्या गिवन है एक क्वेश्चन ग्रुप गिवन है H इज इक्वल टू क्यू माइनस जेड चलिए लिखते हुए चलते हैं एक क्वेश्चन ग्रुप है Q माइनस जेड राइट माइनस मैं गलती से बोल रहा हूँ यह है Q बाई जेड माइनस नहीं बोलेंगे वैसे आ, अब हमें पूछा क्या गया है कि अगर मैं इसका कोई भी फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप लूँ तो होगा क्या आपके पास वो फाइनाइट uh, ऑर्डर का आएगा ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमें बता रही है सबसे पहले हम क्यू बाई जेड को एक बार लिख लेते हैं कि क्यू बाई जेड हमें कैसा दिखाई देगा तो आइए देखें एच अगर हमारे पास क्यू बाई जेड है तो इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे पी बाई क्यू प्लस जेड पी बाई क्यू क्या होगा एक रैशनल नंबर होगा अब ऑपरेशन किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बनाए ये ऑपरेशन आपके पास है तो एडिशन अगर इस हिसाब से करा जाएगा तो ये क्यू बाई जेड एक ग्रुप फॉर्म करेगा अब मैंने एक नोट लिखा है कि अगर जी बाई एच ये नोट इसका क्यू बाई जेड से लेना देना नहीं है जनरल नोट है अगर जी बाई एच एक क्वेश्चन ग्रुप है तो ई प्लस एच जो होगा वो आइडेंटिटी कहलाएगा किसका G बाई एच का है न मैं यहाँ पर मिस कर गया यहाँ पर क्या आना चाहिए G बाई एच देखिए मैंने करेक्ट कर दिया ये आइडेंटिटी होगा जी बाई एच में तो यहां से आप क्या इंप्लाई करते हैं यहां से इंप्लाई करेंगे आपके जीरो प्लस एच 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 क्या है इस समय आपका जेड तो जीरो प्लस जेड तो फाइनली हम बोल रहे हैं कि जीरो प्लस जेड क्या होगा आइडेंटिटी होगा क्यू बाई जेड में अब हम देख लेते हैं कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये ट्रू है या नहीं है ठीक है ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस क्वेश्चन के लिए चाहिए थी अगर आपको क्वेश्चन ग्रुप आता है तो बहुत अच्छा है आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे अगर आपको नहीं आता है तो आप जितना मैंने इन्फॉर्मेशन गिवन है इससे भी समझ सकते हैं और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कुछ और नॉलेज की ज़रूरत है तो आप किसी भी एबस्ट्रकल जबर की बुक उठा सकते हैं वहाँ से आप सीख सकते हैं अब हम फर्स्ट फर्स्ट uh, उस पर आएंगे फर्स्ट जो स्टेटमेंट आपको दी गई है यहाँ पर यह कह रहा है कि एवरी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ एच इज़ फाइनाइट अब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी साइक्लिक सब ग्रुप ले लो तो हमने लिया लेट एच वन बी ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ एच एच का हमने एक एच वन साइक्लिक सब ग्रुप मान लिया अब साइक्लिक की डेफिनेशन क्या है डेफिनेशन है ये कि अगर आप एच uh, वन को किसी एच वन सब ग्रुप को साइक्लिक कह रहे हैं तो वो किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट जरूर होगा तो ये मैंने मान लिया कि ये ए बाई बी प्लस जेड से जनरेट हो रहा है अगर आप इस ए बाई बी प्लस जेड एलिमेंट को कितनी बार ऐड कराएं अगर आप इसको ऐड कराते हैं हाउ मैनी टाइम्स अगर आप इसको ऐड कराते हैं बी टाइम्स तो होगा क्या आप इस प्रॉपर्टी का यूज करिए ऑपरेशन कैसे आप लगाएंगे ये सारा का सारा किसके इक्वल आ जाएगा यह आ जाएगा ए बाई बी प्लस ए बाई बी अपू ए बाई बी ऑपरेशन का यूज कर रहा हूं मैं प्लस जेड मैंने कितनी बार ऐड करा है बी टाइम्स तो ये कितना जाएगा बी डॉट ए बाई बी तो ये हो जाएगा ए प्लस जेड अगर पी बाई क्यू रैशनल है तो ए क्या होगा उसमें ए मतलब ए बाई बी चलिए ए बाई बी से समझते हैं अगर ए बाई बी राशनल है तो ए क्या होगा ए तो एक इंटीजर ही होगा और आप जानते हैं कि अगर आपके पास इस तरीके का इस तरीके की एक आ, कोई स्टेटमेंट आ जाए कि ए प्लस एच आपके पास लिखा है वेयर ए बिलोंग्स टू एच तो होगा क्या ये एच के ही इक्वल आ जाएगा मेरी बात समझ आ रही है ए प्लस एच एच के इक्वल होता है अगर ए उसमें बिलोंग करता है तो फाइनल कितना आ जाएगा z अब z आप जानते हैं कि z है क्या आइडेंटिटी तो आपने इस एलिमेंट को कितनी बार ऑपरेट कराया b टाइम्स ऑपरेट कराया और आपको z मिल गया इससे हमें पता चलता है कि ऑर्डर ऑफ a बाई बी प्लस जेड कितना हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू b हो जाएगा क्योंकि b बार ऐड कराने पर तो आपको आइडेंटिटी मिल जा रहा है तो या तो बी होगा या बी से छोटा होगा तो फाइनली हमें क्या पता लगा ऑर्डर ऑफ एच वन इज लेस देन इक्वल टू बी तो यहां से हमें मालूम पड़ा कि वो जो सब ग्रुप आप लेके चले हैं वो फाइनाइट ही होगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां से हमें पता चल गया कि ये राइट right स्टेटमेंट है अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की सेकेंड स्टेटमेंट आपको बताता है कि एवरी फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप इज़ाइसो मॉर्फिक टू अब ग्रुप ऑफ एच तो ये बहुत ही ईजी स्टेटमेंट है आप इसको इस इस नज़रिए से भी देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ देखिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इस नोट को सबसे पहले आप देखें अगर पी और क्यू आपके पास दो को प्राइम नंबर हैं और क्यू नॉन ज़ीरो है तो पी बाई क्यू को आप कितनी बार ऐड कराएँ कि वो इंटीजर बन जाए आपको उसे ऐड कराना पड़ेगा q टाइम्स ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या हो गया कि इफ p बाई क्यू इफ अगर मैं p और q को प्राइम ले रहा हूं ठीक है तो मैं इसको लिख लेता हूं दोबारा से इफ p एंड q आर को प्राइम इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा कि ऑर्डर ऑफ पी बाय क्यू प्लस जेड कितना आएगा आपके पास थोड़ी देर पहले आपने देखा था ये क्यू आ जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया फॉर ऑल क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देर इज आई शुड राइट एन तो आपको ज्यादा क्लियर होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देर इज अ एलिमेंट विच इज लाइक दिस पी बाय एन प्लस जेड इन क्यू बाय जेड सच दैट पी बाय एन प्लस जेड जनरेट्स अ सब ग्रुप और ये साइक्लिक सब ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर एन मेरी बात समझ आ गई तो अगर पी और यहां पर मैं लिखूंगा आपके पास एन चलिए इसको रहने दीजिए आप ऐसा सोचिए कि अगर कोई आपके पास नेचुरल नंबर है तो आप पीस हिसाब से चूज कर सकते हैं हमेशा कि वो क्या होगा एक आ, को प्राइम नंबर होगा एन के ऐसा हमेशा चूज करा जा सकता है तो मतलब मेरा मीनिंग यही है सिर्फ कहने का कि आपके पास हर एक एन के लिए हर एक नेचुरल नंबर के लिए एक सब ग्रुप मिलेगा जो कि साइक्लिक होगा और फ़ाइनाइट ऑर्डर और आप जानते हैं कि हर एक सब ग्रुप साइक्लिक अगर कोई है फाइनाइट ऑर्डर का है तो वो आइसोमॉर्फिक होता है किसके जेड एन के मेरी बात समझ आ गई तो आप यहां से ऐसा सोच सकते हैं कि कोई भी सब ग्रुप अगर आपने फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप लिया है वो आइसोमॉर्फिक होगा ZN के है इसके इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ एच तो यहां से हम फाइनली प्रूफ कर पा रहे हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी भी ठीक है और सेकेंड भी ठीक है मैं इस चीज को एक और बार रिपीट कर देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैंने क्यों को प्राइम क्यों लिए नंबर्स को प्राइम लेने का इंपॉर्टेंस ये था कि आप एग्जैक्टली exactly उसका ऑर्डर बता पाएं तो अगर आपके पास नंबर्स को प्राइम है तो उसका ऑर्डर आप एग्जैक्टली exactly बता सकते हैं तो पी और एन मैंने को प्राइम चूज करे हुए हैं तो पी इस, इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा इसका इसका ऑर्डर होगा एन अगर इसका ऑर्डर एन है इसका मतलब क्या हो गया जो इससे सब ग्रुप जनरेट होगा वो एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा एन ऑर्डर का आप जानते हैं कि हर एक साइक्लिक सबग्रुप जो एन ऑर्डर का होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है किसके जेड एन के अब आप यहां पर आ जाइए कोई फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप दिया है आपको पता है कि वो किसी ना किसी जेड एन के आइसोमॉर्फिक तो होगा हो ही होगा और आपके आपको पता है कि फाइनाइट साइक्लिक सब सबरू जेडन के आइसोमॉर्फिक होगा और जेडन इसके आइसोमॉर्फिक है तो इसका मतलब वो जो फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप क्वेश्चन में दिया गया है वो इसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा फाइनली तो ये बहुत ही बेसिक रिलेशन है आपको याद होना चाहिए कि आइसोमॉर्फिज्म एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं इक्विलेंस रिलेशन होता है तो अगर आपके पास एस रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी दैन ए इज रिलेटेड टू सी तो हम ट्रांजेटिविटी का यहां पर यूज कर रहे हैं खैर आप इसको खुद से भी समझ सकते हैं इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन ट्रू है ए बी एंड डी आर इन करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम ऑल राइट सो थैंक यू